तो आए दिन चर्चा में रहता ही है, लेकिन हरियाणा में अब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और लगातार हरियाणा में राजनीतिक घटनाक्रम पर भी नजर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर हरियाणा से सामने आई है, जहां हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा मिलकर विधानसभा का इस बार चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में इनेलो 53 और बहुजन समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार इनेलो और बसपा के गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला को बनाया गया है। आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है और वोट काटने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, हमने हर जिले का दौरा किया है और अब हम हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को 47.62% वोट मिले थे और पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट हमारे गठबंधन को हरियाणा में मिले थे। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटक है। वहीं बात अगर आप भाजपा की करें तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है। हरियाणा की दादरी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रेसलर बबीता फोगाट को उतार कर इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया था, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक नृपेंद्र सांगवान, जेजेपी से पूर्व मंत्री सत्यपाल सांगवान मैदान में उतरे थे। अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कमर कस ली है और इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ स्थिति रहेगी, ये तो देखना होगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा में जैसा कि अब विधानसभा चुनाव में 3 महीने का समय अभी बाकी है, तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चहल पहल शुरू कर दी है और अपनी तैयारियों को भी अब और भी तेज कर दिया है।